नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार मैम। धन धन सतगुरु तेरा याद। क्या नाम है आपका? मेरा दीपा देवी है। मैम आप कब से जुड़े हो डेरा सच्चा सौदा से? 35 साल हो गए। मैम आपको 35 साल हो गए, कैसा माहौल देखा है आपने? बहुत अच्छा माहौल है। 35 साल से हमने कुछ नहीं हमारे गुरु को देखा। हमारा गुरु अच्छा पाक पवित्र है। चंद्रमा में दाग हो सकता है, हमारे गुरु में दाग नहीं है। हम गारंटी से कहते हैं, हम कुर्बानी के दे सकते हैं, हमारा गुरु बहुत सच्चा और ऊंचा है। हमारी सारी संगत की यही मांग है, हमारा गुरु नजायज है। मैम लड़कियां यहां पे सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित है। हमारे हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं देखा है। 35 साल हो गए, मैं इतनी उम्र हो गई मेरे को, तो मेरा गुरु बहुत अच्छा है और सारी संगत का इतना विश्वास है, इतना विश्वास है हमारे गुरु पे। हमारा गुरु बहुत पाक पवित्र है। मैम आप कहते हो संत जी पे आपका इतना विश्वास है, फिर आखिर क्यों उतने बदनाम किया जा रहा है? क्यों बदनाम इन्होंने करे है? शरारती जो तत्व है इन्होंने करे है। इन्होंने लागबाजी करके हमारे गुरु को फंसाया गया है। ये हर बात ये आपके चलाते हैं, कहते हैं नशा क्यों छुड़वाते हैं, ये हैं ये गुंडागर्दी क्यों छुड़वाते हैं, हैं बेशियों की शादी करवाते हैं हमारे पिताजी। सारा हमारा पिताजी सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं होती। आपने कहा संत जी इतने अच्छे कार्य करवाते हैं, समाज में ना रहने से कुछ प्रभाव पड़ रहा है संत जी के? हाँ बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ही समाज का कितना बुरा हाल हो रहा है, बेचारी बहुत परेशान है सारे। सरकार से क्या अपील करें? सरकार से यही अपील है कि हमारे गुरु जल्दी से जल्दी अपना घर मिशन पूरा करके जल्दी से जल्दी आ जाए हमारे गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हो लगातार महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, उनका एक ही बयान होता है कि संत जी के यहाँ पर लड़कियां सुरक्षित हैं, साथ ही संत जी ने जो भी कार्य करवाए हैं उसकी वजह से लोगों ने उनकी निंदा करी है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके शराब के ठेके बंद हों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे वैश्यावृत्ति। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।